नीतीश कुमार ने जिस उम्मीद के साथ के पाठक के ऊपर बड़ा दाव लगाया था, के पाठक को बिहार में उत्पाद विभाग के सबसे बड़े अधिकारी बना दिया गया, उनके जिम्मे बिहार में शराबबंदी कानून को सफल बनाने की बड़ी जिम्मेवारी दी गई। के पाठक का नाम उन कड़क अफसरों में गिना जाता है जो जिस विभाग में चले जाते हैं तो वहां पे गलत काम करने वाले लोग भाग जाते हैं। लेकिन के पाठक के प्रभार लेने के बाद भी बिहार में शराब के अवैध कारोबार करने वाले लोग, तस्कर और सरकारी विभाग के वैसे लोग जो शराब का सेवन करते हैं, वो अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं। दरअसल हम इसलिए ये कह रहे हैं क्योंकि के पाठक तिरहुत प्रमंडल के सभी वरीय अधिकारियों के साथ मुजफ्फरपुर में बैठक कर रहे थे। बैठक में शराब को रोकने के लिए, शराब कोई न पिए, कहीं से कोई बोतल बरामद ना हो, शराब की कहीं से बरामदगी ना हो, इस मुद्दे पर के पाठक ने चर्चा की, रणनीति बनाई, कई सारे टास्क दिए और अपने योद्धाओं को लगा दिया कि अब मुजफ्फरपुर यानी तिरहुत प्रमंडल में शराब की एक बूंद न मिले। लेकिन जैसे ही के पाठक पटना निकले, मुजफ्फरपुर के अंदर शराब की बोतलें और लोग जाम छलकाते हुए दिखे। हालांकि हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शराब की खाली बोतल मिली है। जाहिर सी बात है कि जब बोतल खाली होगी तो जाम छलका होगा, लेकिन जाम छलकाने वाले चेहरे अभी सामने नहीं आए हैं, क्योंकि अब सवाल सिस्टम पर उठने लगा है कि जिस के पाठक के नाम से अपराधियों के मन में खौफ, अधिकारियों के चेहरे पर सीधे डर का भाव होता था, उसी अधिकारी के मुजफ्फरपुर में बैठक के बाद शराब की बोतल कैसे उसी संग्रहालय में मिली जहां वो बैठक कर रहे थे, यह कोई पहली घटना नहीं है। दरभंगा में भी जब पुलिस कप्तान बैठक कर रहे थे, समीक्षा कर रहे थे, अपने अधिकारियों को टास्क दे रहे थे कि देखिए संभल कर रहिए, मुख्यमंत्री जी की नजर टेढ़ है, विभाग में कड़क अधिकारी यहां है, शराब की एक बूंद और एक बोतल ना मिले, उसी अधिकारी के छापेमारी के तुरंत बाद शराब की बोतलें मिल जाती हैं। बड़ा दिलचस्प मामला बिहार में है क्योंकि बिहार में शराबबंदी है और इसी शराबबंदी की समीक्षा की बात कर बिहार में सियासत पिछले कई दिनों से सत्ता के साथ साथ विपक्ष और विपक्ष के साथ सत्ता कर रहा है। तंत्र मंत्र के बादशाह भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान बंगाली मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी, इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम हो का सिर्फ यहां। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान गुरु खान बंगाली। घर बैठे पाएं समाधान, अभी कॉल करें 844-8277-903।